अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब प्यारे प्यारे लोग। आई होप आप जान रहे हैं, खैरियत से रहें। तो टुडे आई एम मेकिंग मटर आलू के चावल यानी के वेजिटेबल पुलाव। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी मैं पहले आपको नहीं दिखा पाई, मैंने दो मीडियम अनियन काट के इस तरह से ऑयल में डाले हैं और उनको लाइट गोल्डन ब्राउन कर दिया है। और अब मैं पानी डालने लगी हूँ इसके अंदर। आप देखे पानी डालते ही उसका कलर चेंज हो गया है। और ये है इंग्रेडिएंट्स, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने लिया है सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून खड़ी अंडा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 ब्लैक कार्डमम, 2 छोटे छोटे सिनेमन स्टिक लिए हैं मैंने, और 3 खड़ी लीव हैं, 1 ग्रीन चिली और गार्लिक क्यूब। क्योंकि ये वेजिटेबल राइस है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इसके अंदर इतने मसाले ना डाले जाएं। मेरे बच्चे भी पसंद नहीं करते और मैं ख़ुद भी पसंद नहीं करती वेजिटेबल राइस के अंदर बहुत सारे मसालाज। और ये है पीज एंड पटेटोज, और मैं साथ में लेने वाली हूँ 2.5 कप राइस का। जैसे ही अनियन का रंग डार्क होगा मैं इसके अंदर गार्लिक क्यूब और साथ में ग्रीन चिली डाल दूँगी। और ये मैंने साथ में 2 बर्गर कप और साथ में 1/2 कप राइस का लिया है। और अब मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर गार्लिक क्यूब एंड चिली। अब मैंने इसके अंदर गार्लिक क्यूब और चिली डाल दिए हैं। सॉरी मैंने चिली काट के नहीं दिखाया आपको, मैंने हाथ से तोड़ी है चिली क्योंकि मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। वैसे मैं फ़ोन को स्टैंड पर रख के रिकॉर्डिंग करा करती थी, मगर अब मैंने जो है वो स्टैंड तोड़ दिया है एक्सीडेंटली, तो इस वजह से मुश्किल हो रही है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कार्डमम, सिनेमन स्टिक्स और खड़ी लीव। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टीस्पून जीरा। सॉरी मैं प्लेट के अंदर डाल के आप लोगों को नहीं दिखा पाई, वो इसलिए कि मेरे कंटेनर से फिनिश हुआ था तो मैंने बाद में बैग निकाल के कंटेनर में डाला और अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। अनियन का कलर अच्छे से निकल आया है। मैं अब इसके अंदर और मसाले डालूंगी और 2 मिनट के लिए भून के उसके बाद मुझे इसके अंदर पटेटोज डालने हैं। मैंने पीस एंड पटेटो को आपस से सेपरेट कर लिया है, वो इसलिए कि जो मैंने पीस लिए हैं वो फ्रीज़र के हैं और फ्रीज़र के पीस बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। इस वजह से मैं पोटैटोज़ को 6 मिनट के लिए पहले भून लूँगी, उसके बाद मैं इसके अंदर पीस डालूँगी। पोटैटोज़ अब अच्छे से रेडी हो चुके हैं, भून लिए हैं मैंने और साथ में मैंने राइस के अंदर पानी डाल के रख दिया है। तो मैंने एक रेसिपी में पहले भी आप लोगों को बताया था कि 1 कप अगर राइस का लो तो साथ में 2 कप पानी का लेना चाहिए, मगर अब मैं जो है राइस को पहले ही भिगो के रख दिया है तो इस वजह से मैं जो है पानी कम डालूंगी राइस के अंदर। क्योंकि अगर राइस को पहले भिगो के रख दिया जाए तो पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं राइस, इस वजह से कुकिंग में पानी थोड़ा कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं इसके अंदर पीस डालने लगी हूँ, तो पीस डाल के मुझे कुक करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। माशाल्लाह से अब ये रेडी हो चुके हैं और मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ पानी। पानी की खेतल मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली है अपने पास, इस वजह से मेरी टाइम भी बच जाती है, वरना बहुत सारी टाइम लगती है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। तो मैंने 2.5 कप्स राइस के लिए हैं, तो अब तकरीबन मैं इसके अंदर 4 कप्स पानी का डालूंगी। क्योंकि मैंने राइस को पहले ही भिगो के रख दिया था तो पानी थोड़ा कम डालना है, वरना मैं पानी के 5 कप्स लेती। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सिर्फ 3 कप यूज़ किए हैं, मैंने 3 कप नहीं डाले क्योंकि खेतल से पानी फिनिश हो गया था, तो मैंने 1 कप और भी डाला है इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर बॉयल किया हुआ पानी डाला है, इस वजह से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि बॉयल हो रहा है, बबल दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मैं इसको 2-3 मिनट के लिए कुक करूँगी क्योंकि फ्लेवर आ जाए पानी के अंदर मसालों का। आफ्टर फ्यू मिनट कुक करने के बाद मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ लेमन जूस के फ्यू ड्रॉप्स। अब मुझे अच्छे से मिक्स देना है और उसके बाद मुझे डालने हैं इसके अंदर राइस।
राइस मैंने डाल दिए हैं, अब मुझे अच्छे से मिक्स करना है और जैसे ही इसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा उसके बाद मैं इसका सॉल्ट टेस्ट करूँगी। जैसे ही राइस को बॉयल आना शुरू हुआ मैंने इसके अंदर से सॉल्ट टेस्ट किया, मगर सॉल्ट मुझे कम लगा। मैंने फिर से सॉल्ट डाल के अच्छे से मिक्स किया है और अब मैं इसे कुक करने वाली हूँ तकरीबन 3 मिनट के लिए। उसके बाद चेक करूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी एक बार और। तो आफ्टर 3 मिनट के बाद ये है लुक, पानी बहुत कम रह चुका है। मैं इसको कवर करने वाली हूँ, अच्छे से कवर करके रखूँगी और फिर से 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। और ये है फाइनल लुक, चावल हो चुके हैं रेडी। अब मैं इनको डिश आउट करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें मेरे वीडियोस को और लाइक ज़रूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन, उससे ये होगा मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेंगे। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आप सब लोग मेरी दुआओं में हैं, मुझको भी प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एवरी वन, अपना भी और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।